बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुए कि सूबे में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने आज भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी से मुलाकात की। तिवाड़ी कुछ दिनों पहले सचिन पायलट से भी मिल चुके हैं। उन्हें लेकर अटकलें हैं कि वो जयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि तिवाड़ी कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। चुनाव हारने के बाद सियासी पारी समाप्त हो जाए ऐसा समझना मुनासिब नहीं। दिग्गजों का चुनावी पराजय का इतिहास रहा है, उनमें से ही घनश्याम तिवाड़ी भी एक। सांगानेर से चुनाव हारने के बाद घनश्याम तिवाड़ी भी नया ठोर ढूंढ रहे हैं। उनकी विचारधारा कांग्रेस से नहीं है, लेकिन विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में अगर चले जाए तो भी अचरज नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निकट संबंध है। वसुंधरा राजे के शासनकाल में पूरे 5 सालों तक बीजेपी के विधायक होने के बावजूद घनश्याम तिवाड़ी ने विपक्षी विधायक का रवैया अख्तियार कर रखा। वो कांग्रेस से भी ज्यादा तल्ख वसुंधरा राजे के प्रति नजर आए। बाद में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कोसने से गुरेज नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत रहे तिवाड़ी का अपनी ही पार्टी में अलग थलग हो जाना वाकई हैरत भरा रहा। किसी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने उनकी घरों खबर लेना भी मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार घनश्याम तिवाड़ी ने बीजेपी को त्याग कर भारत वाहिनी नाम के दल का गठन कर लिया। नई पार्टी के बैनर तले बांसुरी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन जहां उन्हें सर्वाधिक विश्वास था उसी सांगानेर में उन्हें मात खानी पड़ी। जाहिर एहसास रहा होगा कि राष्ट्रीय दल का अपना ही महत्व होता है। अब उनके चर्चे कांग्रेसी हलकों में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात ने सियासत को गर्मा दिया है और तिवाड़ी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को तेज कर दिया है। तिवाड़ी खुद इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रही है, वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी नकार रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार के फैसलों को शानदार बता रहे हैं। देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से मेरा मिलना नहीं हुआ, तो मैंने मुख्यमंत्री बनने की उनको बधाई दी। मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे उनसे बहुत अच्छे और उनको शुभकामनाएं दी है, और राज्य के हित में मैंने कहा कि कोई मेरे लायक बात हो राज्य को मैं सजेशन दूँ तो मैं जरूर दूँ। मैं अभी कहीं शामिल नहीं हो रहा हूँ। भारत वाहिनी पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये जो मुलाकात है वो शिष्टाचार की मुलाकात है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलना चाहिए। घनश्याम तिवाड़ी को अपने सियासी जीवन में इस तरह के हालातों से कभी दो चार नहीं होना पड़ा। भले ही वो चौमू से एक बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव हारे हों, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत रही। नई नवेली भारत वाहिनी को जनता का समर्थन नहीं मिला। आखिरकार अपने सियासी जीवन में उन नेताओं से चुनाव हार गए जो उन्हें देखकर राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े थे। बीजेपी के टिकट पर अशोक लाहौटी का तिवाड़ी को हराना इतिहास रचने के समान है। वहीं पुष्पेंद्र भारद्वाज का अपने पहले चुनाव में तिवाड़ी से ज्यादा वोट लेना उनके खुद के लिए रोमांचक कार्य। सांगानेर के बाद अब तिवाड़ी के लिए रास्ता बचा है जयपुर का लोकसभा चुनाव। तिवाड़ी पहले एक बार जयपुर से लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर हार चुके हैं, लिहाजा उन्हें कमबैक करना है। उम्मीदों की किरण कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस उनके लिए वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कामयाबी दिलवा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मिलकर तिवाड़ी ने नई राजनीति को हवा दे दी है। तिवाड़ी भले ही अपनी हार को लेकर मंथन में जुटे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि उन्हें क्यों अपने समाज का ही साथ नहीं मिला। समर्थक उन्हें कांग्रेस में जाने का सुझाव भी दे रहे हैं। राजनीति में थर्ड फ्रंट बनाना इतना आसान नहीं है, ये शायद वो परिणामों की हकीकत से समझ गए होंगे। बीजेपी में लौटना मौजूदा हालात में उनके लिए अभी भी मुश्किल है। वो भले ही अशोक गहलोत से खुद के मुलाकात को शिष्टाचार बता रहे हों, उनकी मित्रता के बाद भी सटी, लेकिन सचिन पायलट से हुई मुलाकात को क्या कहेंगे? आखिर पायलट ही तो अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। संवाददाता विकास शर्मा के साथ योगी शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।